एक निनाद शेठ, आप कैसे डिकोड करते हैं तस्वीरों को बताइए। देखिए इसमें तीन अहम उधर हो जाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। इसमें तीन अहम चीजें हैं। पहली बात, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर टेक्नोलॉजिक शिफ्ट हो रही है। एक तरफ से अगर आप देखें तो अगर आप सिर्फ रूस को देखें तो उसकी इकोनॉमी इतनी छोटी है इटली जितनी है, पर चीन की इकोनॉमी रूस से 12 गुना ज्यादा है। अगर रूस और चीन साथ आते हैं तो नॉट ओनली आर दे पावरफुल मिलिटरली, मिलिट्री बहुत पावरफुल है, पर इकोनॉमी भी बहुत पावरफुल हो जाती है। नहीं, लेकिन तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तस्वीर इस तस्वीर के साथ जोड़े अगर हाँ, तो क्या मैसेज जाता है? तो जोड़ते, अब जैसे आप ये तस्वीर उसके साथ जोड़ते हैं तो जापान को भी रूस से खतरा है। जापान और रूस के बीच में कुछ आइलैंड्स का डिस्प्यूट है। हाँ। तो ये एक मैसेज जापान भेज रहा है कि हम भी छोटे पावर नहीं है एशिया में, हमारा भी वजूद है। और यूक्रेन में जाके ये करना, वो सीधा सीधा एक संकेत दे रहा है रशिया को कि आपकी जो गुंडा करती है वो हमें बर्दाश्त कर रहा था। जल्दी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, वैसे तो जिनपिंग 10 साल में 8 बार रूस आए, लेकिन इस बार उनका आना खास है। फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि इस बार वो जिस मौके पर आए हैं और जिस वजह से आए हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो ये मुलाकात खत्म होगी, अगले 3-4 घंटे के बाद इन दोनों की मुलाकात में जो समझौते होंगे उसके बाद शायद दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसा आज की रात हम छोड़ने वाले। चलिए, दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसा आज हम छोड़ने वाले हैं। कुछ बड़ी खबरें उन पर भी जाएंगे, लेकिन जल्दी से काजू सर आपका एक रिएक्शन चाहता हूं। आप वर्ल्ड डिप्लोमेसी को समझते हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं, मैं आपसे आपका रिएक्शन पूछ रहा हूं। जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात और ज़ेलेंस्की और किशिदा की मुलाकात, ये जानी दुश्मन अलग देशों में क्या मैसेज दे रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहले तो जापान जो है वो अमेरिका के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ के बाद हमेशा रहा, उसकी मुश्किलात हैं रूस के साथ। वो इस वक्त ये संकेत दे रहा है कि वो यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें वो अमेरिका का साथ देगा और वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा है। तो ये बड़ी पावरफुल मैसेज दी जा रही है। दूसरी तरफ चीन का दौरा, चीन शी जिनपिंग जो मॉस्को का दौरा कर रहे हैं, वो अपने आप को ये दिखा रहे हैं कि चीन अब अमेरिका का अल्टरनेटिव हो गया है, चीन अब अमेरिका के बराबर है। हकीकत इस वक्त वो नहीं, क्योंकि अभी तक अमेरिका की शक्ति चीन से ज्यादा है, चीन आगे बढ़ रहा है। अब चीन ये दिखा रहा है कि रूस में कि रूस के साथ अमेरिका अपनी मनमानी नहीं कर सकता, और यूक्रेन युद्ध में समझौता अगर कोई कर सकता है तो वो खाली चीन कर सकता है। ये इस वक्त क्या वास्तविकता है मुझे नहीं लगता, उस पर प्रश्न चिन्ह। तो ये इस वक्त डिप्लोमेटिक खेल चल रहा है। इस वक्त ये कहना कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आज के दिन उत्पन्न हो जाएगा या इंटरनेशनल ऑर्डर आज के दिन उत्पन्न हो जाएगा, इसको अभी आगे चल के हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये लगता होगा ना सर कि ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की शुरुआत या आहट तो बहुत तेजी से दिख रही है, जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति का इस तरह से मिलना? देखिए, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो तो बदल ही रहा है, जो राइज, जिसको कहते हैं राइज ऑफ चाइना। चीन शी जिनपिंग के तहत ये दिखा चुका है दुनिया को कि उसके पास शक्ति है। अभी आप देखिए कि पश्चिम एशिया में उसने क्या किया जो अमेरिका कभी नहीं कर सकता था, उसने रूस, सऊदी अरेबिया और ईरान को, सऊदी अरेबिया और ईरान का भी एक बड़ा एग्जांपल जो आप दे रहे हैं वो तो है सर। लेकिन फ्रीडम ऐप से सीख कर आप चॉकलेट बनाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने चॉकलेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।